प्रिय साधक, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो कि सभी लोग कहते हैं कि पिशाचनी की साधना करने से पिशाच योनि में जाता है, डाकनी की साधना करने से डाकनी बन जाता है, यानी कि भूत प्रेत बनकर भटकते हैं। तो जो जिसका पूजा करते हैं, बहुत लोग गांव समाज में हैं, कहते हैं कि भूत के पूजवा तो भूते न होएबा। तो बात सही है कि आप जिसको पूजोगे वही बनोगे। ध्यान रखें कि भूत को पूजोगे तो भूतो बनोगे, और किसी ने यह बात को कहा है तो सोच के ही कहा है, उनको कुछ ना कुछ जानकारी होगा तभी कहा है, अन्यथा नहीं कहा होगा। तो ये बात आप दिमाग में लगाइए कि कोई भी व्यक्ति भूत को पूजे रहा है तो भूत बन रहा है, कोई व्यक्ति नहीं पूज रहा है तो वो क्या बनेगा। यह भी आप लोगों का सवाल होगा कि जो व्यक्ति भूत को पूज रहा है वो व्यक्ति तो भूत बनेगा ही, पर जो व्यक्ति भूत को भी नहीं पूज रहा है वह व्यक्ति क्या बनेगा। सबको मन में सवाल होगा। तो जो व्यक्ति भूत को नहीं पूज रहा है और किसी भी भगवान की और किसी भी ईश्वर पर ब्रह्म या देवी देवता को नहीं पूज रहे, नहीं मानते हैं, वह भी भूत ही बनेगा, उनको भी भूत बनना है, वह भी भूत योनि में ही आएगा। तो जो भूत को पूज करके भूत बना है उसके पास तो पावर आएगा, उसको क्षमता रहेगा, ज़्यादा मजबूती उसकी आत्मा में ताकत रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भूत को भी नहीं पूजा है उसकी आत्मा इतना कमज़ोर रहेगा कि जिस तरह से एक ठेकेदार 100 लोगों को मजदूरी करवाता है, 100 लोगों से काम करवाता है, उसी प्रकार से एक भूत को पूजने वाला आत्मा 100 भूतों से काम करवा सकता है, यानी कि ऐसी आत्मा से जो किसी भी देवी देवता को पूजा ही नहीं है और नहीं किसी भूत को पूजा है। तो जो व्यक्ति देवी देवता भूत प्रेत को भी नहीं पूजा है वह भी भूत बनेगा, और बिल्कुल कमज़ोर भूत बनेगा, और जो भूत को पूजा है वह मजबूत भूत बनेगा, ताकतवर भूत बनेगा। ठीक है। तो हमारे भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो जिस परब्रह्म को पूजेंगे वह उसी परब्रह्म में समाहित हो जाएंगे, जो जिस देवता को पूजेंगे वह उसी देवता में सम्मिलित हो जाएंगे, उनके उसी देवता के आशीर्वाद से वह उनके सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे कि हम महादेव जी की भक्त हैं तो हम महादेव जी में सम्मिलित हो जाएंगे, जो विष्णु भगवान की भक्त है वो विष्णु भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे, जो राधे कृष्ण के भक्त है वह राधे कृष्ण में सम्मिलित हो जाएंगे। मरने के बाद कई लोगों के मुख से सुना भी होगा कि मृत्यु के बाद जो लोग वापस लौट के आए हैं राधे कृष्ण के भक्त, तो उनको मृत्यु हुआ तो उन्हें न स्वर्ग न नर्क, उन्हें कृष्ण भगवान की जो उसको क्या बोलते हैं उसमें उनकी आत्मा गई, और उसकी मृत्यु से पहले उनकी मृत्यु हो जाते हैं तो वह फिर वापस जो जी जाता है तो वह जो है इस धरती पर अपनी बीती कहानी सुनाते हैं, तो वह कृष्ण भगवान में ही सम्मिलित हो गए क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति किया। बात सही है कि भूत के पूजेबा तो भूते बनबा, कृष्ण भगवान के पूजबा तो कृष्ण भगवान में ही सम्मिलित होएबा। तो जो जिस ऊर्जा को पूजेंगे वह उसी ऊर्जा में सम्मिलित होगा। ठीक है। तो यह चीज आपको समझना है, भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जिस चीज को पूजेंगे हमें वहीं सम्मिलित हो जाना होगा। महादेव जी को भक्त हैं तो महादेव जी में सम्मिलित हो जाएंगे, विष्णु भगवान के तो विष्णु भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे, कोई भूत को पूजता है तो भूत में ही सम्मिलित हो जाएंगे, यानी कि कोई डाकनी को पूजता है तो डाकनी में सम्मिलित हो जाएंगे, डाक
में सम्मिलित हो जाएंगे और इसीलिए किसी किसी को शक्ति को गुंडाक कहा जाता है, जो डाकनी को पूजता है और डाकनी को पूज करके गुनी भगत लोग जो है गुंडाकनी को पूजता है। कई ऐसे घर में देखे होंगे जिस घर में डाकनी की पूजा होता है, गुंडाकनी की पूजा होता है, मसान की पूजा होता है और खोलते हैं बात को, ठीक है, प्रेत की पूजा होता है, मनुष्य देवा की पूजा होता है, देव की पूजा होता है, ब्रह्म देव की पूजा होता है, ठीक है। ब्रह्म बाबा तो गांव समाज के गांव के देव हो गए, तो उनकी बात हम इसमें नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनकी पूजा अलग होता है। ब्रह्म देव की पूजा जो भी व्यक्ति करते हैं, देव की पूजा करते हैं, यानी कि जो घर में कोई मर गया है वह देव बन गया है उसकी पूजा करते हैं, तो जो जिसकी पूजा करेंगे वह उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। इतना अच्छे से कोई भी खोल के नहीं समझाएगा पॉइंट को। अब देखिए कि कई लोगों को आपने देखा होगा अपने समाज में कि कोई भगत है, कोई ओझा है, तो भगत ओझा जो होता है वह मनुष्य देवा को पूजते हैं, अघोरी तांत्रिक मसान को पूजते हैं, मनुष्य की कपाल खोपड़ी और उसकी हाथों की नली मसान बना करके उसको पूजता है, अघोरी तांत्रिक पूजता है कि नहीं पूजता है, पूजता है, तो उसकी आत्मा उसी में सम्मिलित हो जाएगा, यानी कि उसी मसान के साथ में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा महत्व उन्होंने उन मसानों में दिया है, मसानों को माना है, मसानों को पूजा है, तो उनकी आत्मा भी मसानों में ही सम्मिलित हो जाएंगे, यानी कि उनकी आत्मा का नाम भी अघोरी तांत्रिक ही पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे, साधना भी आप लोग करते हैं, गंगाराम औघर कौन है, मसान को पूजने वाले हैं, हड्डी को पूजने वाले हैं, और भी औघर हैं, वह सब क्या है, वह सब भी मसान को पूजने वाले हैं, हड्डी को पूजने वाले हैं, आत्मा को पूजने वाले हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी मसान बना लेते हैं, उसकी खोपड़ी निकाल कर उनमें पूजा करने लगते हैं, उन्हीं में खाने लगते हैं, यह सब क्या है, यह सब अघोर सिद्धि है, अघोर सिद्धि, मसान सिद्धि। जो अघोर को पूजेगा वह अघोर बन जाएगा, वह अघोर में सम्मिलित हो जाएगा। जो व्यक्ति मसान को पूजेगा वह मसान बन जाएगा, जो व्यक्ति देवी देवता को पूजेंगे वह देवी देवता में सम्मिलित हो जाएंगे, जो व्यक्ति इंद्र भगवान को पूजेंगे इंद्र भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं आपको पता तो उठा करके पढ़ लीजिए। गांव समाज में जो कहते हैं भूत को पूजबा तो भूते होबा, यह कोई गलत नहीं है, पूरा सही है। हो सकता है हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, किसी किसी को समझ में आया होगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे।